70 साल देश का हाल, आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आजादी के 70 साल पूरे हो रहे हैं और इसी खास मौके पर हम एक के बाद एक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें देश के सामने आज जो समस्याएं हैं हम उन पर बहस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम देश के सामने इस समय खड़ी सबसे बड़ी चुनौती पर बहस करने वाले हैं, और इसी पर बातचीत करने के लिए, बहस करने के लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है यहाँ बीजेपी से सुधांशु मित्तल हैं, अक्सर आप इनको टीवी पर देखते होंगे, कांग्रेस से अभय दुबे हैं, यहाँ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा है डिफेंस एनालिस्ट, और सीपीआई से प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए। शुरुआत सुधांशु जी मैं आपसे करूंगा। सुधांशु जी, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, चीन की तरफ से हर दिन धमकी मिल रही है, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, देश में जगह जगह ये चिंता है, ये फिक्र है, और कहीं कहीं ये डर भी है कि कहीं चीन के साथ युद्ध तो नहीं होने जा रहा है। सुधांशु जी, क्या लगता है आपको? मानक जी, आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है भावना देश की ही रहनी चाहिए, राजनीति तो हम लोग रोज करते हैं। बिल्कुल। तो आप सबसे एक तो आने वाले स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। मैं संकेत में कुछ चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि जब विदेशी देशों के संबंधों का जिक्र होता है या खासतौर से जब फौज को लेके बातें होती हैं, तो संकेतों में बात करनी चाहिए। चीन की तरफ से आप लोगों को क्या सुनने में था? अरे, भारत ने आक्रमण करा, भारत ने कब्जा करा, भारत जो है हमारी जीन पे आ गया, युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है और हम चेतावनी दे रहे हैं, यही सुनते हैं ना? इससे पहले क्या सुनते थे? अरे, चीन ने कब्जा कर लिया, इतने गज, इतने फीट, इतने मील, इतने जगह जगह आगे। तो परिदृश्य कहीं बदला है, और चीन अगर धमकियां दे रहा है कि भाई तुम सुधरो नहीं तो हम ठीक करेंगे, तो उसका असली मतलब आप सब समझदार हैं। इसका मतलब सुधांशु जी साफ संकेत दे रहे हैं, सरकार बदल गई, देश बदल गया। नहीं, सरकार पहले नहीं है ना। देखिए, मैं कह रहा हूँ, हम आजादी की पूर्व संध्या पर इस चीज को नहीं, लेकिन आप ही ने कहा कि अब तक हम सुनते थे चीन घुस आया, चीन ने घुसपैठ कर दी, पहली बार हम ये सुन रहे हैं कि भारत, चीन कह रहा है भारत घुस आया। मैं देखिए, ये देश की परिस्थिति समझा रहा हूँ, ये किसी सरकार की परिस्थिति नहीं, हम सब देशवासी हैं और ये देश का विषय है। किसी जमाने में देश के लिए ये कहते थे, लेकिन आज के परिपेक्ष में और आज के परिदृश्य में चीन क्या कह रहा है उसका सही मतलब हमें समझना चाहिए। समझाइए थोड़ा सा, इन धमकियों का क्या मतलब? मैंने कहा ना कि कुछ संकेतों में चीजें कही जाती है, ये बड़ी संवेदनशीलताएं होती है, इसमें कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा से समझ लेते हैं, मुझे पता है आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन हैं, आपकी कुछ मजबूरियां हैं। मैं उसका कार्यकर्ता हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ ठीक है, नेता है आप, मैं समझ रहा हूँ। चीनी राजदूत से मुलाकात। मानक जी, आज जो है राजनीति छोड़ दीजिए ना, रोज तो इन चीजों को करते हैं। नहीं, राजनीति की बात नहीं सुधांशु जी, हम तो ये देखना चाहते हैं कि अगर चीन के साथ कोई एक्सट्रीम हालत आती भी है, क्या हम वाकई एकजुट हैं? मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में हर रहने वाला देशभक्त है, और जब देश के सामने कोई भी संकट आएगा तो चाहे कितने मतभेद हों, वो अपना उत्तरदायित्व समझेगा और देशभक्ति दिखाएगा। मैं ये मानता हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक संगठन के विषय में ये धारणा ही नहीं रख सकता कि वह देश के साथ नहीं है। मैं इसमें एक और थोड़ा देखिए, जब चीन का विषय आता है तो एक फिर संकेतों में बात करता हूँ। मालाबार में भारत, अमरीका और जापान संयुक्त फौजी अभ्यास करेंगे, इसका एक समझौता होता है। आप इसका कभी महत्व समझ रहे हैं? इसका जो सारे समझौते का परिपेक्ष क्या है और इसके भविष्य में इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उनको समझेंगे ना आप? ये आप इशारों में ये कहना चाह रहे हैं, आप नहीं बोल सकते, मैं बोल सकता हूँ। चीन कम से कम ये भी देख रहा होगा कोई भी हिमाकत करने से पहले कि अगर कोई पंगा लिया भारत से तो अमेरिका है, जापान है, भारत ने भी बहुत दोस्त बना लिए मोदी सरकार के अंदर, इसमें एक और चीज जो बीच में आ जाएंगे भारत का साथ देने के लिए। इसमें चीन की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसकी बौखलाहट के पीछे ये समझौता एक बहुत बड़ा कारण है। ये उन्माद इसलिए पैदा किया जाता है पूरे विश्व में। अब देखिए, मैं यही कह रहा था, घूम फिर के, नहीं दिनेश जी, घूम फिर के, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, घूम फिर के अब सरकार को घेरने पे आ जाते हैं। सुधांशु जी, मुझे लगा आज तिरंगा देख के सब लोगों की देशभक्ति जागेगी, उस देश, आपने बोल दिया, मैं बोलूँ थोड़ा सा, मुझे लगा
कि कभी तो हल्की राजनीति हम लोग उसको तिलांजलि देके देश के गौरव की, देश के सम्मान की और देश की उपलब्धि की बात करेंगे, क्योंकि ये 15 अगस्त का दिन है और उसके उसकी छाया में ये चर्चा हो रही है। अंदर से घृणा का भाव आ रहा है कि किस हल्के स्तर के हम लोग राजनीति पे उतरे हुए हैं। 2 साल का जिक्र अभी अभेद दुबे जी कर रहे थे ट्रंप के बारे में। ट्रंप जनवरी में तो आए हैं और 2 साल हो गए। कुछ बोलते समय लफाजी अच्छी लगती है, लेकिन तथ्यों मतलब बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है, लेकिन तथ्यों में आप इस तरह की बेबुनियादी बात करके आपने कभी सोचा है कि जनता के बीच आपने अपना अपने प्रति अविश्वास क्यों पैदा करा? सिर्फ इसी लफाजी की वजह से। देश हित आज क्या है आपका? चाइना का प्रश्न आ रहा है और आप बात क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं, अच्छा छोड़िए ना, मैं भी आपके स्तर पर आऊंगा, मैं नहीं जाता। मैं फिर आपसे सबसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान को गौरवान्वित होना चाहिए इस बात से कि ये देश इतना मजबूत है कि चाइना कह रहा आपने आक्रमण करा। अरे दोस्तों, अरे भाइयों, देश के सम्मान को, देश के गौरव को हम सलाम करना चाहिए हमें। मैंने कहा राजनीति ये बहुत समय है भाई, करते रहना, हर चीज का एक समय होता है। जब चीन ऐसे दुस्साहस करता है तो आपको क्या कहना चाहिए? एक स्वर में देश को पीछे खड़ा होना चाहिए। वो एक है ना, पंचों की राय सर माथे पर पत्ता ना यहीं गिरेगा। अरे भाई, लोग जो हैं वो किंतु परंतु समझते नहीं है क्या? आप कहते हैं हम खड़े हैं देश के पीछे, हम सरकार के पीछे खड़े, लेकिन आप फेल हैं। अरे क्या बोल रहे हैं आप लोग भाई, आज के दिन तो छोड़ दो यार। प्रोफेसर साहब, ये बता दीजिए मुझे, आप कह रहे हैं चीन पर भारत के सरकार के साथ खड़े हैं लेकिन विदेश नीति फेल है। सुधांशु जी कह रहे हैं ये तो आप कोरी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति नहीं, सरकार के पीछे खड़े होने का ढोंग कर रहे हैं। नहीं, और फिर कह रहे हैं विदेश सरकार के पीछे वहाँ खड़े हैं जब भारतीय सीमाओं की सुरक्षा की बात है, चाहे वो चीन है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो म्यांमार है, चाहे वो बांग्लादेश है। किसी को इस बात का विश्वास हो रहा है क्या? चाहे वो चीन, आप सब ने बताया भी हो, किसी को विश्वास हो रहा है? ये दोहरा चरित्र आप तो, अरे आप तो लड़ाई लड़े नहीं, आजादी की लड़ाई हम लड़े। दोहरा चरित्र आपका, आपकी तारीफ कानिया की महारानी अंग्रेजों माफ कर दो, मैं कभी आजादी का आंदोलन, देश की लड़ाई तो लड़ो। आपने आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं, किसको कह रहे दोहरा चरित्र? दोहरा चरित्र आपका था, टू नेशन थ्योरी वीर सावरकर जी ने दी, जो कावड़ थे उनको आप वीर कहते हो, किसको बता रहे हो आप? देश की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन मुझे तो समझाइए ना, क्या देश की बात? नहीं, सुधांशु जी, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट रखे हैं, अगर मूर्ति लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट रखे हैं, हम लोग आज चर्चा क्या? वही कह रहा हूँ प्रोफेसर साहब, चीन के मामले में अगर भारत सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं तो अनकंडीशनल सपोर्ट क्यों नहीं होता है उसके बाद? लेकिन बता देता हूँ, बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या क्या है मानेंगी, कि इनकी मंशाओं पे देश को बहुत बड़ा शक है। ये कहते हैं नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। इन्होंने कहा नकली नोट बंद हो जाएंगे, बंद नहीं। क्या शक है आपको? इनके शक इनकी मंशाओं पे, क्या शक है? क्या मंशा है? क्या मंशा है? आपको शक है हमारी नीयत पे? नहीं नहीं, इनकी मंशा है, इनकी मंशा है युद्ध का उन्माद पैदा करना। हम युद्ध के उन्माद के, आप क्या करेंगे? हम विश्व शांति के साथ, भारत ने और कम्युनिस्ट सरकार ने विश्व उन्माद पैदा किया। कम्युनिस्ट ही नहीं, हर सोच समझ वाला, हर अच्छी थिंकिंग वाला आदमी, हर पॉजिटिव साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी विश्व शांति की बात करता है। अमेरिका में भी पर अपनी जमीन बचाता है, अपने घर का बचाव तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम युद्ध कर रहे हैं, युद्ध का उन्माद कहाँ से आएगा? मेरे घर में अगर कोई आएगा तो मुंह तोड़ खाएगा। तो फिर युद्ध का उन्माद कहाँ से आया? युद्ध का मैं उन्माद बता देता हूँ, बताइए। युद्ध का उन्माद अमेरिका हथियार, बिल्कुल इसराइल ने हमारे देश के प्रधानमंत्री और फिलिस्तीन के उसको सैक्रिफाइस कर दिया, फिलिस्तीनियों के संघर्ष को सैक्रिफाइस कर दिया। इसराइल गए हथियार खरीदने, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है? इसमें क्या पॉलिटिक्स? आपको, आप अपनी इंडिपेंडेंस, हम चीन के साथ जो है की बात करते हैं, हम चीन के साथ अपने देश का अहित चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते, कैसे नहीं चाहेगा इस देश का? आप क्या कह रहे हैं माणक जी? क्या कह रहे हैं इसको? ये एक फाइन, देखिए एक फाइन लाइन है। अब जी, एक सेकंड, मैं चाह रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि ब्रिगेडियर मिश्रा जो बात करेंगे वो एक फौज के एंगल से, डिफेंस के एंगल से भी करेंगे। आपको क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि भारत युद्ध का उन्माद पैदा कर रहा है? ब्रिगेडियर सर, माइक ले लीजिए। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम आज के दिन में जब हम डोकलाम में चीन की फौजों के सामने आमने सामने खड़े हैं और हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहां पर है, हर एक इंच जो हमारी जमीन है या भूटान की है, क्योंकि हम उनके डिफेंस पार्टनर हैं, तो उस पर है, तो हम यूएस की बात नहीं करेंगे, इसराइल की बात नहीं करेंगे। और
हम उन चीजों की भी बात नहीं करेंगे जो लोग कहते हैं कि हम इंटरनेशनल पार्टी हैं। इंटरनेशनल पार्टी में चीन भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है और तमाम कंट्री शामिल हैं। जब आप इंटरनेशनल पार्टी में हो गए तो आप ये बताइए कि आपका जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, किस पार्टी पर आता है, पहली बात। कम्युनिस्ट अपने देश में अपने देश की लड़ाई लड़ता है। जनाब सुनिए, जनाब सुनिए, जनाब सुनिए, मैं चुप रहा। जितने भी स्टेटमेंट विदेश मंत्री के या डिफेंस मिनिस्टर थे, ये कॉन्क्लेव में जितने भी स्टेटमेंट हुए हैं उनमें इतना संयम है और पार्लियामेंट में कहा कि हमारा एम वार नहीं है, हमारा एम सेटलमेंट है। सेटलमेंट में बातचीत एक हिस्सा है लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। यह बात बड़ी तो वारमोंगरी कहां हो रही है? वारमोंगरी कहां हुई है? आप देश की सीमा के खिलाफ जो खिलवाड़ करेगा उसको आप चाइना के साथ खड़े हो, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो। अरे हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमें नहीं पता किसने पाकिस्तान बनवाया, पैदा हुए पूरा देश बेकार की बात करते हैं। आप लोगों ने एकदम बेकार की बात की। दिनेश जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, दिनेश जी मुझे समझ में, मैं सबसे पूछ रहा हूं बालक जी मुझे दिनेश जी समझ, अबे जी एक सेकंड में आ रहा हूं, दिनेश जी मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप भारत सरकार के मंत्री, कोई भी रूलिंग पार्टी का स्पोक्समैन, कोई भी और नेता मुझे बता दीजिए जिसने युद्ध का उन्माद पैदा किया इस मामले में। भारत सरकार बल्कि भारत के सारे पॉलिटिशियंस, कहीं से भी युद्ध का उन्माद पैदा नहीं किया गया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी सरकार कौन सा एक्शन, कौन सा बयाना बताए? द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास देखिए, सेना 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 सेना, गोली 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 गोली, ये कौन करता था? हिटलर करता था। और हिटलर क्या निकला? आप देखिए, मिलिट्री आइडियोलॉजी इज ऑलवेज बीन मिलिट्री विचारधारा, सैनिक विचारधारा तभी फैलाई जाती है जब युद्ध का उन्माद पैदा करना होता है। बेरोजगारी, शिक्षा का निजीकरण, बच्चों का मरना, इन सबको छुपा दो। हम सैनिक विचारधारा के साथ नहीं, ठीक है? आप सैनिक विचारधारा के साथ नहीं, आप विरोध करते हैं, हम विश्व शांति की बात करते हैं और करते रहेंगे। भारतीय सेना में हम भी लड़ते हैं, आप नहीं लड़ते, सिर्फ हमारे बच्चे भी लड़ते हैं। किसी इनका बीजेपी का कोई नेता का बच्चा नहीं है, बीजेपी का कोई नेता का बच्चा नहीं है, पता है हमारे बच्चे हैं। आजादी की लड़ाई लड़ी है, अरे पता नहीं माफी नहीं मांगी बरतानिया हुकूमत से, हमने बरतानिया हुकूमत से माफी नहीं मांगी। सुधांशु जी जवाब दे दीजिए, दिनेश जी कह रहे हैं फौज को आपने सियासत का हथियार बना लिया, आपकी आइडियोलॉजी मिलिट्री आइडियोलॉजी है और आप युद्ध का उन्माद पैदा कर। बहुत व्यथित हूँ मैं ये सुन के, और मुझे लगता है कि देश जो देखा होगा उसको घृणा आएगी कि किस स्तर पर क्या हो गया। सुधांशु जी ये बात बताइए, भैया बाप अंग्रेजों के समय में डॉक्यूमेंट मिलता है जब आरएसएस कहते हैं कि ब्रिटिश सेनाओं को ज्वाइन करो, ये सुन के डॉक्यूमेंट है, तीन मूर्ति चलिए, अच्छा नेशनल आर्काइव चलिए। आज चीन के सामने, चीन की धमकियों के सामने, चीन के आक्रमण के उन्माद के सामने हिंदुस्तान एकजुट होके दृढ़ता से खड़ा हो,
और कहा जाए कि हम युद्ध का उन्माद पैदा कर रहे हैं, आपको लगता है ये सही है? है? आपको घृणा नहीं आती? आपको लगता है ये देशभक्ति है? आपको लगता है कि जो ये बोल रहा है उसका देश प्रेम है? आपको लगता है कि इसमें सत्यता का एक तो डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा कहा नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी पहली बार नहीं, भारत जी भारत जी आओ पहली बार भारत जी सुनिए सुधांशु जी आरोप पहली बार नहीं लगाया, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बार बार आप फौज का इस्तेमाल कर। सुनिए मैं अपनी बात रखी, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आज किस माहौल में आके क्या बात हो रही है, ये दुख हो रहा है, मैं वाकई जाना चाहता हूँ, मतलब असहनीय हो रहा है कि कभी हम लोग अपनी मानसिक गिरावट से उठ नहीं सकते। हर चीज में हम इतने गिर गए कि हर चीज में हम देश के खिलाफ खड़े होने को तैयार है। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे भी शर्म आनी चाहिए देश के खिलाफ। जब आपने आज जो ये ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है, आप अपना संतुलन रखिए दिनेश जी, आपका अगर संतुलन होता तो जनता आपको आज तक आपको रिजेक्ट नहीं करती। अगर आप में संतुलन होता और आपकी नीयत अच्छी होती तो देश विश्वास करता। चला रहे आज देश ने आप पे विश्वास नहीं करा, इसीलिए नहीं करा। अच्छा अभय जी आरोप सीधा है भारत सरकार मोदी सरकार युद्ध का उन्माद पैदा कर रही है, फौज का इस्तेमाल कर रही है सियासत के लिए। अच्छा लगा, थोड़ी थोड़ी कुछ तो कहीं समझदारी आती जा रही है इस चर्चा में। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं, देखिए अभी जी एक आपको और कहना चाहता हूं, प्रतिपक्ष को अपनी बात जरूर रखनी होती है। हर देश में प्रतिपक्ष, अगर प्रतिपक्ष बात नहीं रखेगा तो सरकारों पे नियंत्रण कैसे रहेगा? इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा हर चीज का एक समय होता है। स्थिति की नजाकत, स्थिति क्या उस समय की क्या मांग है, ये बहुत गंभीर विषय है। दुख ये तब होता है कि जब परिस्थितियां ऐसी हो और वहां पे उस पर राजनीति करी जाए, राजनीतिक बयानबाजी करी जाए। मैंने आपने देखा अभी तक एक शब्द कह रहे हैं फौज पे राजनीति आपने शुरू की थी, अभी तक एक शब्द में मैंने क्या कांग्रेस के लिए कुछ कहा? मैंने आप बता दीजिए मुझे एक, मैंने भाजपा के लिए कुछ कहा क्या? एक बता दीजिए। मैंने देश की बात कही, क्योंकि आज जब हम पूर्व संध्या पे खड़े हुए हैं और जो आज की जब चीन की स्थिति आप कह रहे हैं, तब देश सर्वोपरि है, तब कोई संगठन सर्वोपरि नहीं है। मेरे लिए भाजपा सर्वोपरि नहीं है, माफ करिएगा, मेरे लिए देश सर्वोपरि है। और ये उत्तरदायित्व हमारा जो है, ये पूरी राजनीति को समझना पड़ेगा। हमें कटघरे में खड़ा करना जरूर करिएगा ना, किसने रोका है? लेकिन समय पे ये संकट के बादल जो सामने दिखते हैं, पहले इनसे एकजुट होकर लड़ लीजिए, मजा चखा दीजिए उन आंखों को जो हमारी तरफ उठने की कोशिश करे। उसके बाद दिनेश जी वही कह रहे हैं कि युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं आप, वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। मैं दिनेश जी दीजिए, आप युद्ध अवॉइड करने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ, मैं दिनेश जी के बात मानसिकता से मैं सहमत नहीं हूँ। सुनिए जो अरुण जेटली, अब मैं अपनी बात आप इतनी देर से अरुण जेटली जी अपनी बात नहीं है, मैं अपनी बात दिखा देंगे, वो नहीं कह रहे। आप में इतनी शून्यता क्यों है भाई? आप में सत्य सुनने का हम दम क्यों नहीं है? मुझे मेरी बात रखना हक है, मुझे भी तो मुझे रख लीजिए, उसके बाद जो बोलिएगा बोलिएगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैं मुझे बोली, विषय यह है कि दिनेश जी जिस मानसिकता से आते हैं और जो आप सबके सामने उन्होंने दर्शाया है, मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। मुझे नहीं लगता इस देश में कोई व्यक्ति तो उस मानसिकता माफी मांग के आपकी लगे, आप इसलिए मुझे टिप्पणी। दिनेश जी आप पे हिम्मत करिए, आपको जो बोलना मैं सुनूंगा ना, राजनीति ना आपको जो बोलना सुनिएगा मैं सुनूंगा ना, सच्चाई टिप्पणी करके बताऊंगा आप। देखिए तो आज के दिन मैं फिर सबसे कह रहा हूं, और मैंने अभी इनका स्वागत करा इस बात का कि आखिर में हम जो चर्चा जब इसकी कर रहे हैं चाइना की या पाकिस्तान की भी करेंगे, तो जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल। सुधांशु जी, लेकिन आप इस पॉलिटिकल बयानबाजी से, इस बहस से बच नहीं सकते। कैसे? आप नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को देश में जगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक। अब मैं उस पे जवाब, वही कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान का मसला हो, आतंकवाद का मसला हो, या चीन के साथ मसला हो, पहले तो चीन पे आप देश में राष्ट्र की भावना जगाते हैं, रोटियां सेकते हैं। मैं पहले चीन की बात करना चाहता हूँ। चीन से हम युद्ध चाहते हैं, अभी तक किसी के मुंह से आप लोगों ने कोई बयान सुना क्या? आपने सुना क्या? नहीं। हम शांति प्रिय देश हैं और हम युद्ध नहीं चाहते, ये आपने सुना था ना? आपने भी सुना था ना? और तो यहाँ और
ऐसे चले चले कंप्लीट करें चले। और आत्मरक्षा और आत्मसम्मान हमारा फर्ज है। हम बातचीत से, राजनीतिक व्यवस्था से, कूटनीतिक व्यवस्था से हम समाधान चाहते हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल आएगा, देश को बचाने का सवाल आएगा, किसी आक्रमण को अगर निरस्त करने का सवाल आएगा, तो हम तैयार हैं। यही कहा है ना। और इसको अगर आप कहते हैं वॉर मॉन्गरिंग है, तो क्या कहना चाहिए कि नहीं नहीं आप युद्ध करिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम हथियार डाल देंगे। फर्क क्यों है? रंजू जी फर्क क्यों है? फर्क पाकिस्तान को लेकर तो तरह तरह के स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं जैसे हम गली हमला कर देंगे, मजा चखा देंगे, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चीन के मामले में हम कहते हैं कि हम डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। मैंने क्यों कहा? क्योंकि फिर वो जो मैंने संकेतों से कहा था, मुझे क्यों खुलवाते हैं? नहीं, एक पाकिस्तान ने ये थोड़ी कहा। एक सेकंड, आपका आपका मोहरत ऐसा है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर 4 बार अटैक कर चुका है और चीन 1 बार अटैक कर चुका है। दोनों दुश्मन है, दोनों ने हमारे ऊपर अटैक किया था। और जो पाकिस्तान है, वहाँ के इंडियन, वहाँ के पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी में जब वहाँ का अफसर पास आउट होता है, तो उसको शपथ दिलाई जाती है, उसको यह कहा जाता है कि तुम्हारा आर्मी करियर तब तक सफल नहीं होगा जब तक तुम हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। नहीं, और माणक जी, ये सीज फायर वायलेशन रोज पाकिस्तान कर रहा है। चाइना के साथ आज हमारी वैसी परिस्थितियां नहीं है, एक बात। लेकिन हाँ, इस गंभीरता को हमको समझना पड़ेगा कि चाइना स्ट्रेटेजिकली, चाहे वो आपका श्रीलंका हम्बनटोटा से लेकर नेपाल, बांग्लादेश, फिर राजनीति करने लगे। सुन लीजिए, नहीं आप फिर राजनीति करने लगे। कह रहा सुषमा जी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया था, आप सुन के सारे पोर्ट्स माणक जी चीन ने काम आपकी पूरी बात सुन लीजिए मेरी बात। वो कोई, मैंने कहा ना कि सरकारों का प्रश्न नहीं, देश का प्रश्न है। हमको इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अभी पाकिस्तान ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की 14,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि चाइना के हवाले कर दी। तब तो चाइना ने कहा था कि हम कश्मीर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आज वो कह रहा है कि हम हस्तक्षेप करेंगे। तो हमको इसलिए तैयार होना होगा, और आज इसलिए विशेष समय। देखिए, एक बात, एक पार्टी रूलिंग पार्टी की मंशा पर शक कर रही हो। देखिए, सुन लीजिए एक मिनट, मैडम जी, फिर ये वो शक कैसे है? वो भी शक नहीं कर रहे, कहा मंशा पर शक। अब आप सब लोग समझ लीजिए, चाइना ने अपने मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक ये कम्युनिकेट किया है। हम लोगों को भी ये कोशिश करनी होगी कि हम दृढ़ता से सरकार के पीछे, ये दिनेश जी पूरा साथ, फिर सरकार की मंशा पर शक आ जाता है। अखंडता से कोई समझौता नहीं, चाहे वो सरकार हो, वो युद्ध चाहती है, पाकिस्तान हो, चाहे वो गौ रक्षक हो, चाहे गौ विजिलेंट, कोई भी। ये इस पर डिबेट देश में की जा सकती है, उसमें क्या फर्क है? चलिए कुछ कुछ यहाँ से लोगों से बात कर लेते हैं, जल्दी से माइक दीजिए यहाँ आप। इधर दीजिए। हम पंचशील में विश्वास करते थे, हम पर हमला हुआ, हमारी सेनाएं पूरी तरह समर्थ हैं। चीन को कमर पे हाथ रख करके केवल डराना आता है, वह इकोनॉमिकली हमको डरा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लो। हमारे जो सैनिक हैं वो लगातार लड़ रहे हैं एक ऐसा छद्म युद्ध, पता ही नहीं दुश्मन कहाँ से आ रहा है, आतंकवादी आ रहे हैं। हम बहुत समर्थ हैं, क्यों ब्रिगेडियर साहब, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यही बात वो भी कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। कूटनीति सुनी, मैं जनता को आम नीति सुनाती हूँ। 1962 में हिंदुस्तान चाइना का बाजार नहीं था। हम जब भी किसी अपने मित्र के साथ मिलते हैं होली दिवाली या किसी व्यापारिक संबंधों में मिठाई लेकर, आज हिंदुस्तान चाइना का बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए वो आंख दिखाएगा मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश करने के लिए। हो सकता है वो थोड़ा बहुत धमकी दे, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं कि अपनी मार्केट बंद करेगा। ये हमारे देश की अच्छी बात है कि छाती टान के सामने खड़े हैं, इसलिए पूरा देश साथ है। चाइना के सामान का बहिष्कार कर रहा है, कर रहा है, करे। सरकार भी दोहरी नीति ना अपनाए, भगवान के वास्ते हिंदुस्तानियों को व्यापार दो, उनकी उनकी ही चीजें संसार में चल रही है, नौकरियां दो। मेरा भी मैडम यही था कि चीनी वस्तुओं का हम लोग बहिष्कार क्यों नहीं करते, हम लोगों को भी करना चाहिए, और गवर्नमेंट जो करेगी वो करेगी, हम लोगों को भी करना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए। एक बात यहाँ सबको समझ में आनी चाहिए, देशवासियों को, हमको स्वदेशी तो अपनाना ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाइना से हम जो आ रहा है वो नहीं लेंगे, लेकिन एक बात समझ लीजिए, चाइना विश्व की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, 2.37 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उनकी। भारत का हिस्सा बहुत, 225 लाख करोड़ का ट्रेड उसका एक्सपोर्ट का है, हमारे यहाँ 4 लाख करोड़ का वो माल देता है। हम बहिष्कार करें, लेकिन ये भ्रम में नहीं रहे कि उसकी सारी इकोनॉमी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भ्रम नहीं पालना चाहिए।
जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु मित्तल, अभय दुबे, ब्रिगेडियर मिश्रा और प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। तो देखा आपने, 15 अगस्त आजादी का 70वां साल है हमारा, 70 साल पूरे हो गए हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारी पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस, मतभेद आपस में बहुत हो सकते हैं, सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जब कोई विदेशी ताकत हमारे घर पर आकर खड़ी हो जाए, हमें आंख दिखाए, जंग की लड़ाई की धमकी दे, तब हमें क्या एकजुट नहीं हो जाना चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, देखते रहिए न्यूज़ 20।